मेरी जिंदगी का वो पहला जोरदार थप्पड़ जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। गलतियों से सीखकर, अपनों से दूर रहकर बहुत कुछ दिया है मुझे मेरे स्कूल ने। तो चलिए स्कूल चले हम। माय स्कूल। आई एम स्केर्ड। मुझे डर भी लग रहा है। हर बच्चे में कोई ना कोई हुनर होता है, हमें बस उस हुनर को ढूंढना पड़ता है। ये वो शब्द हैं जो मेरे एडमिशन के समय मेरे प्रिंसिपल ने कहे थे। आज 16 साल बाद इस दरवाजे पर आते ही सबसे पहले मुझे उनकी कही ये बात याद आ गई। आज भी मेरा स्कूल इसी नियम पर चलता है। जब मैं यहां आया था तब चुपचाप रहने वाला, किसी से ज्यादा बात ना करने वाला स्टूडेंट था, पर मेरा खुद पर ये कॉन्फिडेंस और आज मैं जो भी हूं ये सब मेरे स्कूल की वजह से है। मेरा स्कूल जिसने मेरे अंदर आत्मविश्वास के साथ एक शख्सियत की नींव रखी। So I'm coming here after 16 years. It's unbelievable. The feeling that I'm going through right now, it's nostalgic. ये बिल्डिंग थोड़ी डिफरेंट है, जो थी वैसी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी इस हॉस्टल का, इस स्कूल का एसेंस वैसा ही है। ये टेनिस ग्राउंड है, वी यूज़ टू प्ले अलॉट हियर, और काफ़ी कुछ बदल गया है। इतने सालों बाद स्कूल आने पर जितनी खुशी मुझे हो रही है उससे कई ज्यादा खुशी मेरे स्कूल को थी। रास्ते पर ये बैनर्स देखकर मेरी खुशी मेरे चेहरे पर झलकने लगी, और स्कूल में आते ही अपने टीचर्स को देखकर कुछ पलों के लिए मैं नमसा हो गया। इन सारे मुस्कुराते चेहरों में एक मुस्कान ऐसी है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। शकुंतला मैम, जो मेरी साइकोलॉजी टीचर के साथ मेरी स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, और शायद मुझे सबसे ज्यादा समझने वाली टीचर। शायद इसीलिए उन्हें देखते ही मेरा सालों पुराना स्कूल का सफर मेरी नजरों के सामने आ गया। इस जगह को बोलते हैं चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी और स्कूल में ऐसी कोई जगह देखी है। यहाँ पे प्रॉपरली बच्चों की साइकी समझकर
उनको गाइडेंस मिलती है फ्रॉम नन अदर देन द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल जो खुद साइकोलॉजी पढ़ाती हैं. पर्सनालिटी में जिस टाइम पे एक सही तरह की गाइडेंस की ज़रूरत थी उस गाइडेंस शी मीन्स अ लॉट टू मी इन एवरी पॉसिबल मैनर. सौरभ जब आया था तो ऐसा ही था, बहुत सुडौल और सुंदर लड़का, इतना लंबा नहीं था तब, सॉफ्ट स्पोकन था और काफ़ी हद तक इंट्रोवर्ट था, अपने अपने में ज़्यादा रहता था, लेकिन बहुत ही जेंटल सोल जिसको कहते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ, जेंटल और अफेक्शनेट बच्चा है. मुझे बहुत अंदर से, दिल से एक इमोशनल फीलिंग हो रही है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों के लिए, आई थिंक एज टीचर्स, हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी कमाई होती है जब हमारे बच्चे जो हैं वो एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं. सो मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड माय साइकी और उसके लिए उन्होंने मेरे को कई बार अपने घर पे डिनर पे बुलाया ताकि मैं उनसे बात करूं, वो मुझसे पूछ सकें कि व्हाई आई एम लाइक दैट और व्हाई डू आई नॉट टॉक मच. एंड शी ओपन्ड इट अप फॉर मी एंड गेन्ड माय कॉन्फिडेंस. आई स्टार्टेड स्पीकिंग. असेंबली में खड़े होकर न्यूज़पेपर पढ़ना. क्लास में इन बच्चों को देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया. क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैब, यहां की हर जगह से यादें जुड़ी हैं मेरी. क्लास में अगर बैठो तो लंच ब्रेक का इंतजार रहता था, जहां खाने की वैरायटी कम होती थी पर स्वाद किसी से कम ना था. यहां से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं. मॉर्निंग में एक सेट टाइम पर हमें यहाँ पर आना होता था और अगर हम नहीं आते थे तो हमें खाने को नहीं मिलता था. खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है. सब अच्छा लगता है? हाँ. क्या क्या मिलता है यहाँ पे? दाल रोटी सब्जी सब अच्छी है. मैंने सुना यहाँ पे पास्ता भी मिलता है अभी. हाँ, फ्राइडे मिलता है. फ्राइडे और नूडल्स? नूडल्स भी मिलते हैं. संडे मिलते हैं. इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. सब लोग मिलकर आते थे, मिलकर खाना खाते थे, फिर जाते थे, सेट टाइम पर आना, सेट टाइम पर जाना और साथ में अपनी प्लेस खुद रखना. आई थिंक ये मेस, इस मेस ने काफी डिसिप्लिन सिखाया है हम लोगों को. दोस्तों के संग पूरा दिन किस तरह बीत जाता था पता ही नहीं चलता था. क्लास और स्टडीज के बाद जहां सबसे ज्यादा वक्त बीतता था, चलिए अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं. इन्हीं सीढ़ियों से मैं अपने रूम में जाता था और अभी भी जा रहा हूँ 16 साल बाद और एक अमेजिंग फीलिंग आ रही है. हमारे टाइम पे तो जब हम रूम्स में होते थे वी यूज टू क्लीन इट आवर सेल्व्स. हम अपने कपड़े भी खुद धोते थे और शिफ्ट लेते. जैसे तुम तीन जनों, हम उस टाइम पे दो थे, तो ऐसा तुम लोग भी करते हो? शिफ्ट करते हो? यस सर, हम भी एक दिन नहीं, सुबह ये शाम में. सुबह शाम साफ करते हो? दोनों टाइम. अरे, और संडे को वाइपर से क्लीन करते पूरा पानी डाल के.
तो अभी सुबह डंडे उठा के मारा जाता है तुम्हें दरवाजों पे, डंडे की आवाज आती है? बट सर जिस दिन बट सर डंडे से ऊपर। डिसिप्लिन के मामले में तब भी काफी स्ट्रिक्ट थे, अगर कोई नहीं उठता था तो दरवाजे पे डंडा पीटा जाता था और वो इतना तेज से होता था कि उसके बाद कोई सो नहीं सकता था। मेरी लाइफ के पहले जिम से लेकर फुटबॉल से मेरे लगाव तक, इस ग्राउंड के हर कोने से जुड़ी ना जाने कितनी यादें याद आ गई हैं मुझे। This is our playground. यहाँ पर हम फुटबॉल खेलते थे और वहाँ पे कोने में एक जिम है। आई थिंक सबसे पहला जिम मेरी लाइफ का मैं उसी में गया था। अभी तो काफ़ी अलग हो गया है, आई एम टोल्ड कि अंदर काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं और प्लेग्राउंड वैसा ही है, एकदम बिंदास खुला मैदान। So we had like so many options of sports in CSKM. काफ़ी यादें ताज़ा हो गई यहाँ पर आकर। हम लोग आते थे, मस्ती करते थे और फिर खूब दबा के खाते थे और जाते थे। So good memories. आज रजिस्टर में अपना नाम देखकर बहुत अजीब सी खुशी मिल रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब क्लास में लेक्चर्स बंक करने के लिए मेडिकल रूम का सहारा लिया करता था। तो ये हमारा MI रूम है, या इसको हम एस्केप रूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हमारा मन नहीं करता था क्लास अटेंड करने का या असेंबली में जाने का, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती थी और हम यहाँ पर आकर सुकून से सोते थे। शाम होते ही मैगी वाली आंटी की केचप मैगी की भूख लग जाती थी और घर की याद आने पर हर तीसरे दिन में बोर्डिंग की PCO वाली आंटी के सामने खड़ा हो जाता था। इनके हाथ की मैंने मैगी बहुत खाई है, पता नहीं आपको याद तो होगा नहीं, इतने स्टूडेंट्स आते हैं, आई एम श्योर आपको याद नहीं होगा। याद है। इनके हाथ की हमने बहुत बहुत मैगी यहाँ खाई है, केचप मैगी खाई है, ऑमलेट मैगी खाई है, पराठे भी खाए हैं बहुत सारे। बकायदा एक STD बूथ था जहाँ पर ये मैम बैठते थे और हमें घर पे फ़ोन करने के लिए परमिशन भी लेनी होती थी। दिन में नहीं, परमिशन लेते थे ना, कभी तीसरे चौथे दिन में आते थे फ़ोन करने के लिए। परमिशन रोज परमिशन नहीं मिलती थी, आफ्टर एवरी 2-3 डेज वी वुड गेट अ परमिशन कि हाँ आप घर पे आज बात कर सकते हो। मेरी पूरी स्कूल लाइफ में मुझे एक ही जोरदार थप्पड़ पड़ा था। मेरी गलती थी दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए स्कूल की दीवार को कूद कर जाने की। तो ये वो महान दीवार है जिसको टापकर हम लोग अपना हॉस्टल बंक किया करते थे, मूवी देखने जाते थे। एक बंकी का एक अलग ही फीलिंग होती है, आप बंक करके जाते हो तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। तो वो उस एक्सपीरियंस को मैंने जिया है और वापस आया था तो हमारे जो स्पोर्ट्स सर थे सिंह सर, और फिर एक खींच के लगाया था, सीख गया था गाल पूरी तरह। मेरा स्कूल एक हैप्पी फैमिली जैसा है जिससे जो एक बार जुड़ जाए तो वो ता उम्र इस परिवार का हिस्सा बनकर रहता है।
अब मेरे टीचर्स को ही देख लीजिए, आज से 16 साल पहले वो जैसे थे आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं, एक परिवार जैसे। जिंदगी चाहे मुझे यहां से जितनी दूर ले जाए, पर मेरे स्कूल की ये यादें मेरे जहन से कभी नहीं निकल पाएंगी। मैं आज जो भी हूं वो मेरे स्कूल की वजह से हूं। यहां से सीखी हुई हर बात मुझे हर दिन कुछ बेहतर करने की सीख देती है। सो थैंक यू CSKM, थैंक यू। ये है ABP News, आपको रखे आगे।